Hello friends, good evening. Welcome to our channel Always Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on similarities of triangles. And today is lecture number 4 of this chapter. So let's start. So in previous classes we have already completed theorems. Okay, हमने आपके तकरीबन I think 5 theorems आपके complete करवा चुके हैं. और 5 theorems के ऊपर अब हम क्या करें, question करें. और थॉरम्स के साथ साथ आपका जो सिमिलैरिटी का रूल था वो भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं. तो प्रीवियस आपके जो पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये मेरे क्या है, ट्राइंगल्स दिया हुआ है और इस ट्राइंगल्स में निकालना क्या है, एक्स को मुझे फाइंड आउट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, वन नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपका ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या क्या सिमिलर है. तो हम क्या देख रहे हैं, ए बी डिवाइडेड बाय, अगर हम पी क्यू करते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई अगर हम पी क्यू करते हैं तो ए बी कितना है, मेरे पास पता है मेरे को 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर. और पी क्यू कितना है, हमको पता है ये आपका 6 सेंटीमीटर है. तो राइट है 6 सेंटीमीटर. तो हमको पता है ये कैंसिल आउट होगा, 2 होगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, अगर उसी तरीके से हम बी सी को, बी सी डिवाइडेड बाई अगर हम पी आर करते हैं, ठीक है, बी सी डिवाइडेड बाई पी आर. ध्यान दीजिएगा बी सी जो है वो मेरा ट्राइंगल ए बी सी का है और पी आर क्या है, ये मेरे ट्राइंगल पी क्यू आर से है. तो ये क्या है आपका, बी सी आपका कितना है, 3.5 सेंटीमीटर. एंड उसी तरीके से पी आर जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर है. तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पॉइंट नीचे आएगा, तो यानी कि 2 होगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2. तो आप क्या देख सक रहे हैं, यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाई 2 आया और यहाँ भी 1 डिवाइडेड बाई 2 आया. दैट मीन्स वॉट, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई पी आर है, ठीक है, ये आपका इक्वल है. जब आपका ये इक्वल हो गया और आपके पास एक एंगल भी इक्वल है, एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री. दोनों क्या है, 30 डिग्री. और ये आपका क्या है, गिवन है. तो आप क्या देख रहे हैं कि जब ए बी आपका इक्वल हो जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, ए बी आपका प्रोपोर्शनल हो जा रहा है किसके, पी क्यू के. एंड आपका बी सी जो है ये आपका क्या हो रहा है, पी आर के, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी आर. तो ये दोनों आपके क्या है, साइड्स आपके प्रोपोर्शनल है एंड आपके ये एंगल भी प्रोपोर्शनल है. तो हमको क्या पता चल रहा है, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी is similar of triangle PQR. और ये किस आपके रूल के थ्रू हुआ, तो मेरे पास एस ए एस, यानी कि ये वाला साइड, फिर ये वाला एंगल और ये वाला साइड, यहाँ पे आपका ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड. तो आपको पता चला ये दो साइड है और आपका तो एस ए एस, यानी कि दो साइड और एक एंगल, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी. ओके, ये आपका क्या हो गया, आपका सिमिलर हो गया. अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जब ये दोनों ट्रायंगल मेरा आपस में सिमिलर हो चुका है, दैट मीन्स आपका जो बी है, बी जो एंगल है वो किसके आपके इक्विवेलेंट है, जो बी एंगल है वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, एंगल पी के, ठीक है, एंगल पी के. इसके अलावा जो एंगल एंगल सी है, एंगल सी वो किसके इक्विवेलेंट हो रहा, हमको पता है बी सी क्या है आपका 3.5 और यहाँ पे पी आर आपका इक्वल है 7 सेंटीमीटर. तो पी तो आपका बी के साथ सिमिलर है, तो बच क्या रहा, आर, यानी कि एंगल आर किसके सिमिलर है, एंगल सी के. उसी तरीके से जब नेक्स्ट हम, नेक्स्ट आपके क्या बच रहा है, एंगल ए, तो एंगल ए किसके सिमिलर हो जाएगा, ये आपका बच रहा है एंगल क्यू. ओके, तो आपका, आपको पता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो क्या होता है, आपका तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के साथ और तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ आपका क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है. तो नेक्स्ट जब ये एंगल्स आपके सिमिलर हो गए तो
तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपका एक आपका कितना है 30 डिग्री, दूसरा 58 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ओके, तो एंगल P कितना है आपका 30 डिग्री, एंगल Q कितना है, Q है एंगल Q को Q ही रखना है, और एंगल R है आपका 58 डिग्री। एंगल R है 58 डिग्री और ये मिला के कितना हो रहा है 180 डिग्री। ये दोनों मिलाने कितना हो जा रहा है, तीनों एंगल मिला के कितना हो रहा है 180 डिग्री। 30 प्लस आपका 58 यानी कि एंगल क्यों ही कर रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 30 प्लस 58 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। ठीक है, जब 88 हम माइनस करेंगे इससे, 80 माइनस करेंगे तो कितना होगा 100, और फिर और 8 माइनस करेंगे तो 92 यानी कि एंगल क्यों कितना हो जा रहा है 92 डिग्री। एंगल क्यू कितना है 92 डिग्री। तो एंगल क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, एंगल ए के, ठीक है ना, क्योंकि एंगल ए आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपका सिमिलर है एंगल क्यू। तो हम क्या लिखेंगे ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस हमको क्या पता है एंगल क्यू इज सिमिलर ऑफ कितना है एंगल एंगल एक्स है, एंगल ए है, ठीक है, यानी कि एंगल Q इज इक्वल टू X हो जाएगा, क्योंकि एंगल A क्या है X ही है, तो एंगल Q कितना है 92, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 डिग्री। और X की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करने बोला गया है क्वेश्चन में, X की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करने बोला गया, तो X की वैल्यू क्या होगा 92 डिग्री। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, X फाइंड आउट करने का। Friends, take a screenshot. Next क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर टू करें, ओके, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में डी आपका क्या है पैरलर है किसके, बीसी के, यानी कि डीई लाइन जो है ये आपकी बीसी लाइन के पैरलर है। हम यहाँ पे टू नंबर का डायग्राम अच्छे से बना दे रहे हैं, ये आपका डायग्राम है और ये आपका ए बी सी क्या है ट्रायंगल है, और ये डी ई क्या है आपका डी आपका ए बी और ए सी पे आपका एक पॉइंट है। ए बी सी क्या है इन ट्रायंगल, ए बी सी जो ट्रायंगल है, डी ई और डी सी क्या है आपस में पैरेलल है, यानी कि ये लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, और ये मेरा गिवन है ऑलरेडी विथ डी ऑन ए बी एंड ई ऑन ए सी। इफ ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू 3/4 होता है, तो फाइंड आउट करना है BC डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पार्ट को लिखते हैं, गिवन ABC इज अ ट्राइंगल, ABC क्या है एक ट्राइंगल है एंड DE पैरेलल है BC के, DE क्या है पैरेलल है आपका BC के। सो अब मेरे पास क्या है, AD डिवाइडेड बाई BD इज इक्वल टू 3/4, तो हम क्या लिखेंगे AD, ये भी तो मेरा गिवन में ही आ जाएगा, AD डिवाइडेड बाई, अब मैं यहां से स्टार्ट ही कर रही हूं, AD डिवाइडेड बाई BD और DB इज इक्वल टू 3/4 है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ, AD डिवाइडेड बाई DB, तो हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो क्या होगा 4AD इज इक्वल टू 3DB। ओके, अब मेरे को क्या पता है AD जो है, AD जो वैल्यू है ये क्या कर सकते हैं हम इसको AD माइनस DB, AD माइनस क्या कर सकते हैं DB, या फिर एक काम करते हैं 4AD को रहने देते हैं इज इक्वल 3 की जगह DB जो है ना उसको हम AB माइनस AD करते हैं, ठीक है, AB माइनस AD करते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है DB ही मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 4AD इज इक्वल टू 3AB माइनस 3AD, ठीक है, माइनस 3AB, तो हमको पता है AD और ये जब 3 इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 4AD प्लस क्या हो जाएगा 3AD इज इक्वल टू 3AB, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7AD इज इक्वल टू 3AB, यानी कि अगर हम ये AD डिवाइडेड बाई AB करें तो मेरे को क्या मिल रहा है 3/7,
ठीक है, 3/7 मिल रहा है। अब इसको हम यहीं पे क्या कर रहे हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, ओके। आफ्टर दैट अब मेरे को क्या पता है, ये दोनों लाइन क्या है मेरा पैरेलल लाइन, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल लाइन। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए डी ई और आपका ट्राइंगल ए बी सी में, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में हमको क्या पता है कि ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है आपस में, तो आपका ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आफ्टर दैट उसी तरीके से ये एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी और इधर क्या है सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एक चीज आपको कॉमन है यहाँ पे, एक्चुअली इतना ही काफी है बिकॉज आपका एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी आता है आपको सिमिलरिटी में, तो आप क्या करेंगे देयरफॉर जो ट्राइंगल है ए डी ई इज इक्वल टू सिमिलर करना है, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। और रीजन हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो उससे क्या हो रहा है आपका दोनों ट्राइंगल जो है यानी कि ए डी ई और ए बी सी, ये ट्राइंगल क्या हो रहा है आपस में ये हो रहा है सिमिलर हो रहा है, ठीक है, सिमिलर हो रहा है। आफ्टर दैट इसको रफ करते हो, ओके, इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर हो जाएगा तो हमको पता है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू होता है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ओके, इस तरीके से होता है, ठीक है। आपको लेना क्या है बी सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, तो आप उसको एक्चुअली ये भी कर सकते हैं ए डी डिवाइडेड बाई आपका ए बी, ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी बड़े वाले ट्राइंगल का इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाई बी सी, ओके, डी ई डिवाइडेड बाई बी सी। तो अब हमको क्या पता है ए डी डिवाइडेड बाई ए बी क्या है 3/7 और यहाँ भी ए डी डिवाइडेड बाई ए बी है, तो क्या हो जाएगा आपका 3/7 इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई बी सी। इसको जो इक्वेशन 1 दिए थे ना यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 से क्या हुआ मेरा ये ए डी डिवाइडेड बाई जो ए बी है 3/7 वो आपका यहाँ पे चला गया, तो मतलब डी ई डिवाइडेड बाई बी सी कितना है 3/7। निकालने क्या बोला है बी सी डिवाइडेड बाई डी, यानी कि जस्ट क्या है उल्टा है, तो हम क्या करेंगे इजिली उल्टा कर देते हैं, यानी कि क्या होगा देयरफॉर बी सी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3, ओके, 7/3, नहीं तो इसको थोड़ा टफ करके लिख देते हैं। क्या निकालने बोला है बी सी डिवाइडेड बाई डी ई, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाई डी, जैसे इसको उल्टा करना तो क्या हो जाएगा इधर पे आप उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7/3 एंड दिस इज द आंसर, यही चीज तो पूछा गया था, ठीक है, तो इसी तरीके से निकालना था, ठीक है। सो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया इन द ट्रॉपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ट्रॉपेजियम है और इसमें ए बी आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, हम यहां पे ट्रॉपेजियम ठीक से बनाते हैं, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम है। आपको पता है ट्रॉपेजियम का सबसे बड़ी क्या रहता है खूबी, किसका दो साइड क्या होता है आपका, दो साइड जो होता है ये आपका क्या होगा, यह आपका पैरेलल होता है, ठीक है, ट्रॉपेजियम मतलब टू साइड्स आर पैरेलल और उसके बाद ये आपका इस तरीके से आ रहा, तो ये क्या हो गया ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, क्या हुआ ए बी सी डी एक ट्रॉपेजियम है। आफ्टर दैट ए बी इज फॉर ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ये क्या है 6 सेंटीमीटर ए बी आपका गिवन है, डी सी क्या है 2
12 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे वाला 12 सेंटीमीटर है, डीसी आपका 12 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। आफ्टर दैट सी एफ क्या है, 9 सेंटीमीटर। सी और एफ, एफ कहाँ है, ये ई है और इधर एफ, तो सी एफ क्या है 9 सेंटीमीटर। ओके, सी एफ क्या है 9 सेंटीमीटर। ए ओ क्या है 4 सेंटीमीटर, ए ओ क्या है 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड बी सी क्या है 10 सेंटीमीटर। बी सी यानी कि ये वाला जो लाइन है पूरी तरह से क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ई सी कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट ई सी। पहला पॉइंट में क्या है, ई सी फाइंड आउट करना। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या क्या पता है वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता है कि मेरा जो दो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेरे को पता है जो ए बी है ये मेरा पैरेलल होगा किसके, सी डी के। ए बी आपका पैरेलल है सी डी के, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के। और इस वजह से क्या हो रहा है ना, ये लाइन तो इसके आगे ही बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो ये एंगल है ये आपका इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, इस एंगल के, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। यानी कि अगर हम ट्राइंगल ए बी लेते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, सी ई एफ इस तरीके से ले रहे हैं, तो क्या होगा ना कि हमको पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ई एफ सी। और रीजन हम यहाँ पे क्या देंगे, रीजन दे सकते हैं दो दो आपको अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ओके, आफ्टर दैट हमको क्या पता है, इसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल है और ये वाला भी एंगल है, ये दोनों क्या है आपस में क्या है इक्वल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट, यानी कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, ये क्या हो रहा है आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, अब क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, आपका सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल एंगल प्रॉपर्टी होगा, एंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई एफ। ओके, और रीजन हम क्या देंगे, एंगल एंगल प्रॉपर्टी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी रूल। ओके, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। ओके, आफ्टर दैट जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर बी ई सिमिलर है, इसी वजह से क्या हो रहा है, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई सी एफ। ओके, ए बी डिवाइडेड बाई सी एफ। अब मेरे को क्या क्या पता है वो हम देखते हैं। मेरे को पता है ये जो बी ई है, बी और ई ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ई सी हो जाएगा, बी सी माइनस ई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ई सी डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, ये मेरा ई सी है इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी ही रहेगा डिवाइडेड बाई सी ए, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बी सी जो है यहाँ पे वो क्या है मेरा 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बी सी कहा है, बी सी यहाँ पे लिखे हम 10 सेंटीमीटर, माइनस ई सी का वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई अगेन ई सी, यानी कि अब ए बी क्या होगा, ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई सी एफ क्या है, सी और एफ आपका 9 सेंटीमीटर। ओके, सी एफ आपका 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 6 3 3 9, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × 10 माइनस ई सी इज इक्वल टू 2 × ई सी। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 30 − 3 ec इज इक्वल टू 2 ec होता है। जब 2 ec इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम 2 ec को इधर, इसको इधर ले जाते हैं, 2 ec + 3 ec यानी कि कितना हो जाएगा, 5 ec इज इक्वल टू, इधर तो 30 रहेगा, यानी कि ec इज इक्वल टू क्या होगा, 30 / 5, 5 6 = 30, यानी कि ec का वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर। ec का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर।
और यही मेरे को फाइंड आउट करना था, लेकिन ये फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स ये सिर्फ वन नंबर क्वेश्चन का आंसर था। अभी जितना भी ये प्रोसेस हुआ ये सिर्फ और सिर्फ आपका थ्री नंबर के वन नंबर क्वेश्चन के लिए हुआ है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना था, ये वाले ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्या किए हम आपस में सिमिलर प्रूफ किए, जिस वजह से आपका थॉलस थ्योरम से क्या हो गया सिमिलरिटी रूल से क्या हो गया आपका दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल आपके सिमिलर रहते हैं ट्रायंगल तो क्या होता है इसके साइड्स क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, इस वजह से ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। और बीई को आप बीसी माइनस ईसी लिख सकते थे, बीसी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है और इसका भी एडी और सीई और गिवन था, बस ईसी निकालना था, सो कि आपके एक छोटे से कैलकुलेशन से निकल गया। ओके, तो इस तरीके से निकालना था, ईसी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। नाउ ईसी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, हम यहाँ पे लिख देते हैं ईसी कितना आप फाइंड आउट किए 6 सेंटीमीटर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर टू जो है ये टू आपका किसका है थ्री नंबर क्वेश्चन का है। थ्री नंबर क्वेश्चन में क्या है ए एफ आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है ए एफ इज इक्वल टू व्हाट। तो ए एफ फाइंड आउट करने के सेम डायग्राम है, तो सेम डायग्राम में हमको पता है ए और एफ यानी कि ये वाला पूरा आपको फाइंड आउट करना है ए एफ। तो ए एफ फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा दो ट्रायंगल लेना होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना होगा हमको पता है ए बी आपका पैरेलल है बी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, इस वजह से क्या हो रहा है ना इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ एफ। ओके, डी ओ एफ और ए ओ बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। रीजन हम क्या देंगे कि ये मेरा अल्टरनेट एंगल यानी कि एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू ओ एफ डी। ओके, ओ एफ डी, और रीजन हम क्या देंगे अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल आफ्टर दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ, ये दोनों इक्वल होगा यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल। रीजन क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ओके, नाउ जब मेरा दो एंगल आपका इक्वल हो जाता है तो क्या होता है ट्रायंगल्स आपस में ए ओ बी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ओ एफ के, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। और रीजन हम क्या देंगे ए ए सिमिलैरिटी रूल, ए ए सिमिलैरिटी रूल से आपका दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में सिमिलर हो चुके हैं। जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं साइड को प्रोपोर्शनल करवा सकते हैं यानी कि ओ ए डिवाइडेड बाई ए बी सॉरी ओ ए डिवाइडेड बाई ओ एफ इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई डी एफ हो जाएगा। और डी एफ को क्या लिखा जा सकता है ओ ए तो ओ ए ही रहेगा और ओ एफ तो ओ एफ ही रहेगा और ए बी, ए बी को ए बी ही रखिए और बस आप डी एफ को चेंज करके लिख सकते हैं, डी एफ को चेंज करके डी सी प्लस सी एफ कर सकते हैं यानी कि डी सी प्लस सी एफ। हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, हमको पता है ओ ए क्या है, ओ ए का वैल्यू दिया हुआ है ए ओ दैट इज 4 सेंटीमीटर, 4 डिवाइडेड बाई ओ एफ तो नहीं दिया ना, ओ एफ फाइंड आउट करना। ओके, ओ एफ फाइंड आउट करना इज इक्वल टू ए बी क्या है ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है डिवाइडेड बाय डीसी, डीसी 12 सेंटीमीटर है प्लस सीएफ 9 सेंटीमीटर और डीसी प्लस सीएफ क्योंकि दोनों का वैल्यू था मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय ओएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 21 इज इक्वल टू ओएफ और 6 को हम डिवाइड में ले आते हैं, 6 को अगर डिवाइड में ले आ जाएंगे तो 2 टू 4, 2 3 6 एंड 3
सेवन 21, यानी कि ओ एफ कितना आया, एफ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. ओ एफ कितना है 14 सेंटीमीटर. ओके, ओ एफ की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, यानी कि दिस इज व्हाट 14. ओके, दिस इज व्हाट 14 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे यहाँ पे ओ एफ होता तो ये मेरा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है ए एफ पूछा गया है. तो ए एफ क्या है, ये मेरा ओ ए ओ है प्लस आपका क्या हो जाएगा ओ एफ, ए ओ प्लस ओ एफ है, ए ओ प्लस ओ एफ. तो ए ओ की वैल्यू क्या है ऑलरेडी मेरा गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर प्लस ओ एफ की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हुआ 16, 4, 4, 16, ओके 16 सेंटीमीटर. ए एफ क्या है 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर. तो ए एफ की वैल्यू कितनी आई 16 सेंटीमीटर. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. जैसे मैं 4 और ये तो आपका 18 हो जाएगा ना, सॉरी सिली मिस्टेक. ओके, 16 नहीं होगा 18 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे. थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, OE निकालना है, ठीक है, OE का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, मेरे पास हमको पता है ए बी ई और ई सी एफ पहले से ये क्या है सिमिलर है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे. तो हम क्या लिखेंगे, एज वी ऑल नो सिंस ट्रायंगल, ऐसे नहीं लिखते एक मिनट, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट What we know that triangle जो है ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई एफ. ओके, क्यों क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये मेरा फ्रॉम 1, हम 1 नंबर क्वेश्चन में ये चीज हम ऑलरेडी क्या किए थे, सॉल्व किए थे और बताए थे कि ये ट्राइंगल आपका इस ट्राइंगल के क्या है, आपके क्या है सिमिलर है. जब ये आपका सिमिलर है तो मेरे को पता है सिमिलरिटी, अगर सिमिलर रहता है तो हम क्या करते हैं साइड्स को प्रोपोर्शनल करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे ई एफ डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एफ डिवाइड यानी कि सी एफ डिवाइडेड बाय सी एफ डिवाइडेड बाय ए बी. ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ए एफ माइनस ए ई को हम क्या कर सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ कर सकते हैं. ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं ए एफ माइनस ई एफ. ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एफ डिवाइडेड बाई ए बी, सी एफ डिवाइडेड बाई ए बी. ओके, सी एफ डिवाइडेड बाई ए बी. तो ई एफ क्या है, ई एफ क्या है, ई एफ क्या है, ई एफ मुझे फाइंड आउट करना, ई एफ का वैल्यू है मेरे पास, वैल्यूज पुट करना, नहीं ई एफ का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग ई एफ को एज इट इज रख देते. ओके, डिवाइडेड बाय ए एफ, ए एफ की वैल्यू तो मेरे पास है ऑलरेडी, क्योंकि हम ए एफ इसमें फाइंड आउट किए थे. तो प्रीवियस क्वेश्चन में ए एफ कितना था 18 सेंटीमीटर था, ठीक है 18 सेंटीमीटर था प्रीवियस सेकंड नंबर क्वेश्चन में. तो ए एफ की जगह पे हम क्या लिख देंगे 18, ठीक है, माइनस ये अगेन ई एफ हो जाएगा इज इक्वल टू सी एफ. सी एफ अब क्या है, सी और एफ यानी कि 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ए बी, ए बी तो मेरे पास 6 है, तो इसको हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 3 9, 3 2 6. आफ्टर दैट हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू ई एफ इज इक्वल टू 3 इंटू 18 माइनस ई एफ. ओके, तो ये तो हो जाएगा 2 इंटू ई एफ इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 होगा, उसके बाद माइनस का 3 ई एफ. ओके, 3 ई एफ इधर आएगा तो 2 ई एफ माइनस प्लस 3 ई एफ इज इक्वल टू 54. ओके, नेक्स्ट क्या है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ई एफ इज इक्वल टू 54. ओके, 54 यानी कि ई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल आउट करें तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5 1 5 0.058 40, यानी कि
ई एफ कितना आ जाएगा, ई एफ हो जाएगा आपका 10.8 सेंटीमीटर। ई एफ कितना है, 10.8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो यहां से यहां तक है वो आपका 10.8 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट फाइंड आउट करने क्या बोला गया, लेकिन ओई फाइंड आउट करने गया, बोला गया ओई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए एफ इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ ई प्लस ई एफ। ओके, हम इसको क्या किए, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, आपका ए एफ, ए एफ यानी कि बड़े वाला जो ये साइड है उसको हम क्या किए, सबसे पहले ए ओ किए, फिर ओ ई किए, फिर ई एफ किए, ठीक है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो ए एफ क्या है, ए एफ का टोटल वैल्यू हमको पता है पहले से ही कितना है, 18 है, एंड ए ओ कितना है, ए ओ कितना है 4 है, प्लस ओ ई कितना है, ओ ई तो मुझे फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर दैट ई एफ कितना है जो हम अभी भी फाइंड आउट किए, दैट इज प्लस 10.8। ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर तो 18 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 प्लस इतना यानी कितना हो जाएगा 14.8 प्लस ओ ई। ओके, 14.8 प्लस ओ ई, इसको रफ करते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन की मुझे जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 14.8 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 14.8 इज इक्वल टू ओ ई, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ ई इज इक्वल टू, ओ ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 यानी कि 3.2, ठीक है, 10 कैरी 1 4 5 6 7 8। ओके, तो कितना हो गया 3.2, और ये 3.2 क्या है, सेंटीमीटर में है, एंड दिस इज द आंसर, यानी कि जो ओ ई है उसका वैल्यू कितना आया, 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। अगर ये मेरा ई एफ भी पूछता, एक्चुअली ये पूछा नहीं गया था, अगर ये ई एफ पूछता तो हम यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व करते, यानी कि 10.8 सेंटीमीटर तक ही सॉल्व करते। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन, टोटल आपका थर्ड, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन बना, 1 2 पहले बना चुके हैं, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जाना है, कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, इन फिगर एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फिगर को हम यहां पे बनाते हैं एक बार, कुछ इस तरीके का क्या है फिगर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये कुछ इस तरीके से ये ई है और ये डी है। ओके, तो ये आपका क्या है फिगर है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको फिगर में, क्यों कुछ दिया हुआ है, ए डी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट आपको दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, बी डी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 है और बी डी कितना है 11 है। आफ्टर दैट ए ई क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए ई क्या है 6 सेंटीमीटर, ए ई, ए ई का यहाँ पे, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट ई सी भी दिया हुआ है, ई सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई सी क्या है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे चीज गिवन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई यानी कि ये ट्रायंगल, दूसरा आपका ए सी बी, ए सी बी ये ट्रायंगल, आपको क्या करना है आपस में क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो वन नंबर क्वेश्चन यही दिया हुआ है, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ध्यान रखिएगा जो डी बीच में है तो ये सी के साथ ही होगा, ठीक है, डी बीच में है तो ये सी के साथ ही होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है आपका ए ए डी का सी के साथ, ई का बी के साथ, ठीक है, क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो एंगल ए तो कॉमन ही है ना आपका, दोनों आपके ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल ए कॉमन ही हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं ए डी डिवाइडेड बाई ए डी डिवाइडेड बाई ए सी करते हैं, ठीक है, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, क्योंकि ए डी स्टार्टिंग का 2 लिए हैं ट्राइंगल में, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का 2 लेंगे इस वजह से, ठीक है, तो ए डी तो ए डी ही रहेगा डिवाइडेड बाई ए सी, ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस आप ई सी लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, तो ए डी कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका सी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 2 2 4 2 5 10, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 5 आर। ओके, नेक्स्ट अब आप क्या करना है,
जिस तरीके से AD डिवाइडेड बाय AC के, यानी कि AD डिवाइडेड बाय AC के, उसी तरीके से AE डिवाइडेड बाय AE डिवाइडेड बाय AB करेंगे, ठीक है, AE डिवाइडेड बाय AB किए, ठीक है, यानी कि ये दोनों को लिए तो यहाँ भी ये दोनों को लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, AE तो AE ही रहेगा, लेकिन AB को हम क्या कर सकते हैं, हम AD प्लस BB कर सकते हैं, इज इक्वल टू, तो AE क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय AD क्या है 4 प्लस DB क्या है 11, इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5, तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर में भी मेरा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 5, नीचे में भी मेरा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा आपका AD डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू हो गया AE डिवाइडेड बाय AB, यानी कि दोनों क्या हो रहा है आपका इक्वल हो जा रहा, तो इस वजह से क्या, जब आपका इक्वल हो जा रहा है तो इस वजह से क्या हो रहा ना, सिंस इस देयरफॉर आपका जो ट्रायंगल है ADE आपका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, सॉरी सिमिलर हो रहा है ACB के, ठीक है, सिमिलर हो रहा है AC के B के, ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना था पहले नंबर में, तो ये क्या हो चुका है, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है, एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री, अगर ABC क्या है 40 डिग्री है, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू लिख रहे हैं, एंगल ए, सॉरी क्या बोला जा रहा है, इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 40 डिग्री, लगता है ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ एक्चुअली क्या है क्वेश्चन नंबर टू में, इफ एंगल ABC इज 40 डिग्री देन फाइंड एंगल ए, क्या फाइंड करना है, ABC आपका दिया हुआ था, AED फाइंड करना है कितना है, ठीक है, एंगल AED आपको फाइंड आउट करना है कि कितना है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, कि क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल तो आपस में क्या हो चुके हैं, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, जब सिमिलर प्रूफ हो गया है दैट मीन्स ये एंगल तो इसके साथ है, ठीक है, ये एंगल तो इसके साथ है, और ई जो एंगल है यानी कि ये वाला, ये एंगल किसके लिए है, ये एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि ये आपके बी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, हमको कैसे पता चला, यहाँ पे ई आपका क्या है लास्ट में, यहाँ पे ई लास्ट में, और डी क्या है बीच में है, तो ये आपका सी एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, यानी कि वो उसकी इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको क्या पता है, सिंस ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी बी के, इस वजह से क्या होगा, देयरफॉर आपका देयरफॉर एंगल ए बी सी जो है ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, तो ए बी सी क्या है ऑलरेडी गिवन है, इसीलिए क्या हो रहा है एंगल ए ई डी इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री, ए बी सी क्या है आपका लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, जब ये 40 डिग्री है इस वजह से ए ई डी क्या हो रहा है इज ऑल्सो इक्वल टू 40 डिग्री, ओके, ऑल्सो इक्वल टू क्या है 40 डिग्री, और ये हम आंसर बोल सकते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है आंसर है, ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी में थर्ड नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, क्या क्वेश्चन है, इफ बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन फाइंड बी सी, ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर आप कर दोगे, ऊपर भी बना दो, फोर का थ्री नंबर, ओके, थ्री नंबर में क्या बोला जा रहा है, सिंस ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्वेंट टू ट्रायंगल ए सी बी, और इसी वजह से क्या हो रहा है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है दैट्स वाई डी ई डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई डी ई डिवाइडेड बाई बी सी ए डी डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए सी, ठीक है, तो ए सी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं ए ई डिवाइडेड बाई डी ई डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, ओके, ए ई प्लस ई सी, आफ्टर दैट डी ई क्या है, डी ई का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि डी ई डिवाइडेड बाई बी सी, बी सी क्या है ये भी मेरे पास
डीई नहीं है, बीसी भी फाइंड आउट, बीई भी नहीं है, इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाई, आपको ये पता है ठीक है, एडी एडी कितना है, एडी आपका 4 है डिवाइडेड बाई एई प्लस ईसी, एई आपका 6 प्लस ईसी है 4, यानी कि डीई इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई ने बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, डीई डिवाइडेड बाई बी सी आपका 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। कुछ आपके साइड्स दिए हैं, बी डी 11 है और तो कुछ दिया हुआ नहीं है ठीक है, चारों के चारों दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है बी सी फाइंड आउट करना, ओके बी सी फाइंड आउट करना है। ये आपका डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था ठीक है, डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा है ना, डीई आपका अगर 7 सेंटीमीटर, 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे हो जाएगा बी सी। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे ठीक है 7 5 35 इज इक्वल टू 2 बी सी, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कैंसिल आउट होकर कितना आया 17.5, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर, ओके बी सी इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर, ओके दिस इज द आंसर, ओके। तो आपका फाइनल जो 3 नंबर क्वेश्चन था बी सी फाइंड आउट करना, तो बी सी कितना हो गया 17.5 सेंटीमीटर, ओके और ये आपका 7 तो यहाँ पे दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ओके। सो फ्रेंड्स टेक अ स्क्रीनशॉट, सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो, आज क्वेश्चन यहाँ तक ही रखते होंगे, टुमारो कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे इसी के ऊपर, सो फ्रेंड्स प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज ऑल दी स्कॉलर्स एंड डाउनलोड आवर एप दैट इज csindia.com, ओके प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर एप फॉर मोर वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।